वेलकम टू डिवाइन केयर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि समय से पहले अपने बालों को सफ़ेद होने से कैसे रोकें, मतलब कि प्री मैच्योर ग्रेइंग को कैसे रोकें अपने बालों की। एक बहुत ही डिमांडिंग और एक बहुत ही सबके लिए हेल्पफुल टॉपिक है ये। बहुत लोग पूछ रहे थे काफ़ी टाइम से। मैं आपको मसाज बताऊंगी 4 पॉइंट पर, जो कि हमें एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स हैं उन पर करनी होगी। सबसे पहले हम एक चीज़ जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे बालों का रंग काला कैसे होता है। हमारे बालों में मेलानिन पिगमेंट होता है, जो कि कारण होता है हमारे बालों के कलर का। और ये जो मेलानिन होता है, हमारे बाल, एक बाल की मैं बात कर रही हूँ, उसके बेस में, जो कि हमारे स्कल के अंदर है वो रूट, उसमें मेलानोसाइट सेल्स होती हैं जो कि उस पिगमेंट को बनाती हैं। अब किसी भी वजह से, या तो पुअर न्यूट्रिशन की वजह से, वैसे बेसिकली कहा जाता है कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से ये जो सेल्स हैं ये उस पिगमेंट को नहीं बनाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि बाल सफ़ेद होने शुरू हो जाते हैं। यहाँ जो मैं बात कर रही हूँ वो प्री मैच्योर हेयर ग्रेइंग की बात कर रही हूँ, लेकिन अगर हम एक टाइम से पहले ही उसको यूज़ करना शुरू कर देंगे मसाज को, तो हम ग्रेइंग को डिले कर पाएंगे, क्योंकि ग्रेइंग, बालों का सफ़ेद होना, एक एज से रिलेटेड प्रोसेस है। तो हम एज से रिलेटेड चीज़ों को रोक नहीं सकते, थोड़ा डिले कर सकते हैं। आई थिंक जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ आप उस चीज़ को अच्छे से समझ गए हैं। अब हम शुरू करते हैं कि वो कौन से 4 पॉइंट्स हैं जिन पर हमें मसाज देनी है तो हम प्री मैच्योर ग्रेइंग को रोक पाएंगे। सबसे पहला पॉइंट हमारे पैरों में है। मैं आपको यहाँ एक इमेज दिखा रही हूँ, उसको देखकर समझने की कोशिश कीजिए। पैरों में ऊपर की तरफ, डॉर्सम साइड, जहाँ हमारे नेल्स होते हैं उस तरफ है। पॉइंट का नाम है लिवर 3। लिवर 3 हमें कहाँ मिलेगा? थंब से और फर्स्ट फिंगर, जो हमारे पैर का बिग टो है और जो उसके बराबर वाली टो है, उससे थोड़ा पीछे चलें, जहाँ से स्किन आनी शुरू होती है। आप उस पिक्चर को ध्यान से देखते रहिए या अपने पैर पे टच करके देखिए, जहाँ से स्किन बननी शुरू होती है वहाँ पर इस तरह से फ्लैट 2 फिंगर्स आपको रखनी है। और जो पॉइंट जहाँ मिलेगा अब हमें, राइट, वो पॉइंट है लिवर 3 पॉइंट। ये क्या करता है, हमारी बॉडी में कहीं भी एनर्जी का कोई एक स्टेग्नेशन हो गया है, मतलब एनर्जी का फ्लो रुक गया है, तो लिवर 3 क्या करता है, पूरी बॉडी में एनर्जी के फ्लो को प्रॉपर करता है। और ये बहुत हेल्पफुल रहेगा कि हमारी स्कैल्प में भी एनर्जी का प्रॉपर फ्लो हो, जिसकी वजह से कि ग्रेइंग को रोक सके। नेक्स्ट पॉइंट है LI4, लार्ज इंटेस्टाइन का 4th पॉइंट। कहाँ मिलेगा? हम अपनी इंडेक्स फिंगर से पीछे की तरफ बढ़ें, ये बोनी स्ट्रक्चर के साथ साथ हल्का सा प्रेशर देते हुए आप मेरे साथ कीजिए इसको, एंड थम के साथ जो बोन जा रही है पीछे, इसके साथ भी चलें। पीछे जाके एक बोन यहाँ हमें मिलेगी, आप इसको जब टच करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये पॉइंट है टुवार्ड्स इंडेक्स फिंगर, इस तरह से, ऐसे नहीं है, इस तरह से है ये पॉइंट। इस पॉइंट का नाम है LI4। ये पॉइंट मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, स्ट्रेस रिलीविंग के लिए और हेडेक्स के लिए है। हमारे बालों की सफ़ेदी के लिए स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, और जिन लोगों को रेगुलर हेडेक्स बने रहते हैं उसकी वजह से भी बाल सफ़ेद होने शुरू हो जाते हैं। वही हमें थंब और इंडेक्स फिंगर का एक हुक बनाना है, एंड हम इधर की तरफ फिंगर को लगाएंगे और यहाँ थंब लगाकर टुवार्ड्स इंडेक्स फिंगर जब हम इस तरह से प्रेशर देंगे और मसाज करेंगे, अराउंड 2 मिनट हम मसाज करें, अपने लेफ्ट हैंड में भी कर लें और इसी तरह से दूसरे हाथ में भी कर लें, तो हमारा ये पॉइंट स्टिमुलेट होगा और ये भी हमारे बालों की ग्रेइंग को रोकने में हेल्पफुल रहेगा, राइट। ये हुआ हमारा दूसरा पॉइंट। अब हम चलेंगे तीसरे पॉइंट की तरफ, जिसका नाम है GB20, गॉल ब्लैडर का 20th पॉइंट। ये पॉइंट हमें कहाँ मिलेगा? ये हमारे हेड के नीचे, बैक साइड ऑफ नेक मिलेगा। मैं आपको फिर इमेज दिखा रही हूँ, उसमें देखिए बहुत अच्छे से उन्होंने पॉइंट को दिखाया हुआ है। मैं आपको लोकेट करना बताती हूँ। जो हमारे ईयर लोब्स हैं, इनके पीछे एक बोन जा रही है,
जब आप टच करेंगे तो आपको मिल जाएगी इजीली। एंड हम अपनी नेक पे जो बीच में हमारी स्पाइनल कॉर्ड है उसके दोनों तरफ अराउंड 2 to 3 inches अपार्ट, एक दूसरे से 2 या 3 inches की दूरी पर इस तरह से थंब का हुक बनाएं। एंड ये बहुत सॉफ्टली करना है। जब हम फिंगर्स को ऊपर रखेंगे और पीछे थंब को लगाएंगे, हमें बहुत सॉफ्ट प्रेशर देते हुए मसाज करनी है। इस तरह से लगाएंगे एंड ऐसे सर्कुलर मसाज करेंगे, वही 2 minutes के लिए। तो ये हमारे हेड में और नेक में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाएगा। जब हमारे स्कैल्प में एक ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे बालों की बेस में मिलेनोसाइट सेल्स होती हैं, जिनको अगर नरिशमेंट ना मिले, प्रॉपर सर्कुलेशन ना मिले या न्यूट्रिएंट्स ना मिले तो वो अपना पिगमेंट फॉर्मेशन बंद कर देती हैं। जब ये सर्कुलेशन मिलेगा तो डेफिनेटली हमारे बालों की ग्रेइंग कम होनी शुरू होगी या प्रीमेच्योर ग्रेइंग नहीं होगी, राइट। अब हम अपने चौथे पॉइंट की तरफ चलते हैं। उस पॉइंट का नाम है GV20, गवर्निंग वेसल का 20th पॉइंट। ये हमें मिलता है टॉप ऑफ हेड, 100 पॉइंट के बराबर इस पॉइंट की सिग्निफिकेंस है, इस पॉइंट की वैल्यू है। बहुत अच्छा पॉइंट है, इसको लोकेट करना बताऊंगी। हमारे ईयर का जो ये टॉप पॉइंट है, राइट, दोनों तरफ, इसके साथ हम ऊपर चलें, जहां जाकर ये हमारी फिंगर्स मिल गई सीधी, ये पॉइंट है GV20। इसको हम थंब की हेल्प से सर्कुलर मसाज दे सकते हैं या इंडेक्स फिंगर या दोनों हाथों से फिंगर्स को इस तरह लगा के भी हम इसको मसाज दे सकते हैं, राइट। ये भी क्या करता है, हमारे स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है। और एक प्रीमेच्योर ग्रेइंग तो सिर्फ एक छोटा सा पार्ट है, और बहुत सारी चीज़ों के लिए ये पॉइंट हमारे लिए हेल्पफुल है। फ्यूचर में इससे रिलेटेड और भी बहुत सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। यहाँ हम बात कर रहे हैं प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग के लिए, राइट। तो इन चारों पॉइंट्स पर हमें मसाज देनी है। कितना, हम हर दिन 3 minutes अगर लगाएं, 3 minutes कैसे लगेगा कि हमने 30-30 seconds दोनों हाथों में लगाया, 30 seconds GB20 पर, 30 seconds गवर्निंग वेसल 20 पर एंड 30-30 seconds दोनों पैरों पर। तो सिर्फ 3 minutes का समय हमें लगेगा। दिन में 2 times हम इसको कर लें, एक बार सुबह और एक बार शाम को, तो हमें इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। यहाँ डेस्परेट होने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको हर दिन करते रहिए, रिजल्ट्स डेफिनेटली हमें पॉजिटिव मिलेंगे। और जब हमारे बाल एजिंग के साथ वाइट हो रहे होते हैं तो मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि एजिंग को ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना चाहिए। जो एक टैगलाइन कही गई है कि हमने अपने बाल धूप में सफ़ेद नहीं किए हैं, ये हमारे तजुर्बे की सफ़ेदी है, तो हमें उस बात को भी रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि एजिंग है तो उसके इफ़ेक्ट्स तो डेफिनेटली आएंगे। आई थिंक आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आई है तो इसको हर एक के साथ शेयर कीजिए जहाँ तक आप इसको पहुँचा सकें, क्योंकि आज के टाइम में बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम चल रही है। और एक स्टेप हमारा गलत होने के बाद कि हमने कोई गलत चीज़ अपने बालों में, कोई केमिकल यूज़ कर लिया, उसके बाद ये प्रॉब्लम इतनी तेज़ी से बढ़ती है कि फिर पॉसिबल ही नहीं होता कि इसको हम किसी भी तरह से हैंडल कर सकें। इसलिए आप इसको हर एक के साथ शेयर कीजिए ताकि इन सिंपल सी मसाज से हम प्री मेच्योर ग्रेइंग को रोक सकें। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।